टुडेज टॉपिक अबाउट आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट मेजर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन योर ब्लड। इट ऑल्सो मेजर योर बॉडीज एसिड बेस पीएच लेवल, डायग्नोसिंग एंड मैनेजिंग द पेशेंट ऑक्सीडेशन स्टेटस एंड वेंटिलेशन स्टेटस। ब्लड ड्रॉन फ्रॉम आर्टरी, रेडियल, ब्रैकियल एंड फेमोरल। व्हाई इज एन आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट डन? चेक for severe breathing and lungs problems such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease. Check how treatments for your lung problem are working. Check whether you need extra oxygen or other help with breathing. कैसेट लाएंगे, ये दिखा रहा है कैसे स्कैन करना है, कैसे पकड़ के यहाँ पे स्कैन करना है। तो इसको ऐसे पकड़ना है, जैसे द बारकोड, हम यहाँ से स्कैन करेंगे। हो गया स्कैन। नाउ विल एंटर द यूजर आईडी। यूजर आईडी इज ICU। ओके, अब ओपन द कवर। ओपन हो गया। कैसेट को क्लियर करना है। होल्ड दिस लाइक ए सिम कार्ड। सिम होता है ना मोबाइल का, ऐसे कटा होता है साइड से, यहाँ पे कटा हुआ है, इसको यहाँ पे सेट कर देना है। हो गया। क्लोज द कवर। कुछ नहीं करना, वो अपने आप कैलिब्रेट होगा। कैसेट कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस, इट विल टेक 1 मिनट टू कैलिब्रेट। जब 100% आ जाएगा तब लिखेगा प्लेस द सैंपल, ब्लड सैंपल, मेक श्योर द सैंपल इज एयर बबल फ्री। तो इसको हमने ऑलरेडी एयर बबल फ्री कर रखा है। मिनिमम सैंपल शुड बी 0.5 ml। ओके, ये हर बार कैसेट को कैलिब्रेट क्यों करता है? बेसिकली वो चेक करता है कि ये जो किट है वैलिड है कि नहीं रीडिंग देने के लिए। कई बार किट्स जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो अपन की रीडिंग खराब आ जाएगी। अगर किट खराब होगा तो ये लिखेगा कैलिब्रेशन फेल, तो उसमें अपन को दूसरा किट लेना है। कैलिब्रेशन इज रेडी कम्प्लीट। नेक्स्ट टाइम प्लेस द सैंपल, और हमने यहाँ पे सैंपल को भी प्लेस कर दिया और छोड़ दिया। सैंपल एस्पिरेशन इन प्रोग्रेस। अब वो मेजर करने लगा, लेस देन 30 सेकेंड्स विल बी द रीडिंग। तो टोटल प्रोसेस 1.5 से 2 मिनट लगता है। आईसीयू में इतना टाइम नहीं होता पेशेंट्स को ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। किसी का हाइपरकैलेमिया है, कोई सैचुरेशन कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ रहा है, उसको वेंटिलेटर पे डालना है। नीड द रिजल्ट आज फास्ट एज पॉसिबल। हो गया। इसका पोटेशियम कम है, इसका पोटेशियम ज़्यादा था, 5.7 था, इसका 2.9 है, जो कि बहुत कम है।
कम से कम 3.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। पेशेंट की हालत को भी देख के लग रहा है कि पोटेशियम से कम है।